नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं समर एक बार फिर आपके लिए एक बड़ी ही मज़ेदार जंगल वाली कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, ये कहानी एक शेर की है। ए शेर, इधर आओ ना। बच्चों, ये शेर देखो कितना सीधा है। ना ये जंगल में किसी जानवर को मारता है, ना किसी को सताता है, बल्कि ये घास पत्ते फल खाता है। ऐसा शेर कभी देखा है नहीं ना? बच्चों, अब मैं एक और शेर को बुलाती हूँ। ओ जंगल के राजा, इधर आओ ना। अरे बाबा, ये तो डराता है। बच्चों, शेर तो ऐसा ही होता है जो डराए गुर्राए। बच्चों, हमारी इस कहानी में इस कमजोर शेर को ये ताकतवर शेर जादू से ताकत देता है। लेकिन इसमें जैसे ही पावर आती है, ये तो पूरे जंगल में आतंक मचा देता है। इसके बाद क्या होता है? बच्चों, ये कहानी देखो, बड़ा मज़ा आएगा और आपको एक सीख भी मिलेगी। तो चलिए गौर से देखिए इस कहानी को। प्यारे बच्चों, काफी समय पहले की बात है, एक घना जंगल हुआ करता था जिसमें कई सारे जानवर एक साथ मिलकर रहते थे। उन जानवरों में एक शेर भी था जिसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह वैसे तो शेर था, लेकिन उसकी आदतें दूसरे जानवरों जैसी थी। उसे किसी को भी मार कर खाना ना तो पसंद था और ना ही वो मांसाहारी था। उसका विचार था कि वो फलों को खाकर भी अपना जीवन यापन कर सकता है। शेर सिंह यही करता, जंगल में सीधे और सरल स्वभाव के साथ रहना और पेड़ों से फलों को तोड़कर खाना ही उसके लिए अच्छा था। जंगल के सारे जानवर जब उसका मजाक उड़ाना शुरू करते तो उसे बहुत बुरा लगता था। आखिर शेर सिंह करे भी तो क्या करे, वो अंदर से कमजोर जो था। एक दिन शेर सिंह पेड़ से तोड़कर सेब खाने लगा, तभी उसे सेब खाते हुए एक हाथी ने देख लिया और वो शेर सिंह को सेब खाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे शेर सिंह, तुम तो शेर की जाति के नाम पर धब्बा हो। तुम न ही दहाड़ सकते हो और न ही किसी का शिकार करते हो। मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, लगेगा भी क्यों, तुम आखिर गीदड़ जो हो, तुम ऐसे ही रहो। हाथी शेर सिंह का मजाक उड़ाकर चला गया, लेकिन शेर सिंह ने उसकी एक ना सुनी। वो तो बस अपने सेब खाने में व्यस्त था। एक दिन की बात है, सारे जानवर मिलकर आपस में बातें कर रहे थे कि पास वाले जंगल का शेर तो खूंखार है, वो तो किसी भी जानवर को मार कर खा जाता है, और एक हमारा शेर सिंह है जिसे तेज आवाज में बोल दो तो बेचारा डर के मारे अपनी गुफा से ही ना निकले। उन सभी जानवरों ने शेर सिंह के साथ मस्ती करने का प्लान बनाया। हाथी किसी तरह शेर सिंह के पास गया और उसे अपने साथ खेलने के लिए बोला। शेर सिंह को पता नहीं था कि सारे जानवरों ने उसके लिए जाल बिछा रखा था। खेल खेल में शेर सिंह उनके जाल में फंस गया और पेड़ से उल्टा लटक गया। सभी जानवरों ने उसे बहुत मारा। शेर सिंह इतनी मार पड़ी कि वो घायल हो गया। किसी तरह शेर सिंह उस जाल से निकलकर अपनी गुफा तक पहुंचा। गुफा में उसने भगवान से कहा कि भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, और भगवान से शिकायत करने के बाद रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक जादुई शेर उसकी गुफा में आया और उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम तो शेर हो भाई, तुम ऐसे गीदड़ की तरह क्यों रो रहे हो? मैं शेर नहीं हूँ, मैं अंदर से बहुत कमजोर हूँ। दूसरे जानवरों की तरह भगवान ने मुझे भी ऐसा बनाया है। मैं एक जादुई शेर हूँ, मैं तुम्हें सुनहरे पंख देता हूँ। इन पंखों के साथ तुम उड़ सकोगे और कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा।
तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो। जादुई शेर की बात बीच में ही काट कर कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले जंगल के सभी जानवरों को मजा चखा दूं। बस इतना कहकर शेर सिंह जंगल की तरफ भाग गया। शेर सिंह गुफा से निकलकर उड़कर सीधा जंगल में पहुंच गया। उसने सभी जानवरों को उठा उठा कर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। कई जानवर घायल हुए तो कईयों ने अपनी जान ही गंवा दी। देखते ही देखते शेर सिंह को ये सब करने में काफी मजा आने लगा। अब शेर सिंह ने जंगल में अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। उसके हाथ में इतनी ताकत थी कि जिसे चाहे उसे मार दे। जंगल के सभी जानवर डर के मारे छिप छिप कर उससे अपनी जान बचा रहे थे। शेर सिंह की ताकत उसके दिमाग पर हावी होने लगी। जंगल के बाद उसने पास के गांव वालों को भी मारना शुरू कर दिया। गांव में शेर सिंह का आतंक फैलने लगा। अपना आतंक और रुतबा देखकर शेर सिंह को काफी आनंद आने लगा। चारों तरफ शेर सिंह का आतंक छाने लगा। अब जंगल में बस कुछ ही जानवर बचे थे, बाकियों को तो शेर सिंह ने मार दिया था। सभी जानवर मिलकर शेर सिंह को जान से मारने का प्लान बनाने लगे। तभी अचानक शेर सिंह वहां आया और चुपके से खड़ा हो गया। शेर सिंह ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्हें मारने के लिए जैसे ही उड़ा, तभी उसके पंखों ने काम करना बंद कर दिया। उसने एक बार फिर उड़ने की कोशिश की, लेकिन दोबारा भी ऐसा ही हुआ। फिर अचानक उसे जादुई शेर की आवाज सुनाई दी। शेर सिंह, तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए अब ये तुम्हारे सुनहरे पंख काम नहीं करेंगे। तुमने जंगल के जानवरों से लेकर गांव के लोगों तक सभी को मारा है। अब तुम शेर भी नहीं रहोगे। तुम्हारा आकार एक चूहे से भी छोटा हो जाएगा। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। इतना कहने के बाद जादुई शेर वहां से चला गया और शेर सिंह का आकार बहुत ही छोटा हो गया। शेर सिंह खुद को छोटा देखकर डर के मारे भागने लगा, लेकिन जंगल के जानवरों ने उसे देख लिया। सभी ने मिलकर शेर सिंह को मारना शुरू कर दिया। जानवरों की मार शेर सिंह से सही नहीं गई और शेर सिंह की वहीं मौत हो गई। सभी जानवरों ने शेर सिंह के मरने के बाद राहत की सांस ली और अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, इसलिए कहते हैं कि जब भी कभी आपको ताकत मिले, पावर मिले, तो घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों को सताना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। समझ गए ना? ओ जंगल के ताकतवर राजा, अब तुम जाओ। बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी लेकर। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना। बाय बाय।